हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशा कॉर्नर। तो स्वागत है आप सबका, मैरी क्रिसमस टू ऑल। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो से विंटर वेयर का हॉल, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है और सब चीज़ें इंक्लूड की हैं, शॉल, कैप, हुडी और टू लाउंज वेयर और एक देन मतलब कि एक लेदर जैकेट भी। तो आप सबको ये बहुत पसंद आने वाला हॉल, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लस साइज क्लोथिंग हॉल्स प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए। तो जो मैं कंटेंट दे रही हूँ शायद ही आपको कहीं मिले, तो प्लीज इस चीज को कंसीडर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन विद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहले आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं, वो है ये प्यारी सी लेदर जैकेट, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा लुक दे रही है। और ये जो रियल के डेनिम जैकेट है उसका एक रेप्लिका है, बट नॉट द ओरिजिनल वन, बिकॉज ये एक रेग्जिन मटेरियल है। और जो अभी आने वाली अपकमिंग विंटर्स हैं, जैसे कि विंटर्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं, उनके लिए अप्रोप्रिएट है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिप जो लगी हुई है वो भी उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हैवी ड्यूटी जो है मतलब होती है जिप, वो है, ये लोकल वाला हल्का प्रोडक्ट नहीं है। फ्रंट में आपको दो पॉकेट्स मिलेंगी विद जिप क्लोजर, साइड में आपको दो पॉकेट्स मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पे हैंड्स के लिए। और कॉलर जो आपको मिलेगा इस तरह से क्लोज मिलेगा, ताकि जैसे नीचे आप स्कीवी वगैरह पहनते हैं, पुलोवर्स कैरी करते हैं, तो वो इजीली आपको वार्म मिले बॉडी को, बॉडी गर्म रहे, ठीक है। शोल्डर्स के अंदर मतलब यहाँ पे फोम लगा हुआ है ताकि शोल्डर्स को अच्छा खासा सपोर्ट मिल सके। और यहाँ भी आप देख सकते हैं जिप मिली हुई है, ताकि अगर हल्की सी भी टाइट हो रही है तो आप इसको जिप को ओपन करके लूज कर सकते हैं, अदरवाइज जिप को क्लोज रहने दीजिए। अगर आपको फिट है, जिप ओपन करते ही ये यहाँ से लूज हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जिप लगा हुआ है, ठीक है। फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसका बैक का पोर्शन। बैक कुछ इस टाइप में आएगा। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं ये कहूँगी कि ब्रांडेड वाली क्वालिटी तो आप देखिए मीशो से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट द थिंग इज कि जितना आप पे कर रहे हैं ना, ये वर्थ ऑफ मनी है। इससे आप पूरी उतना जो आप पे करेंगे पैनी वो इजीली वसूल लेंगे, इतना अच्छा प्रोडक्ट तो ये है, ठीक है। क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर की तरफ मैं दिखा दूं आपको, इसमें अंदर की तरफ आपको मिलेगा इस तरह से ये फर वाला मतलब मटीरियल, ताकि ये ना वार्म रहे। जिस भी फैब्रिक में अंदर फर वाला ये इस तरह से मटीरियल होता है या फ्लीस होता है ना, वो गर्म रहते हैं, तो इजीली आप इसको विंटर्स में पहन सकते हैं। गुड प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको एक प्यारा सा शॉल, जैसे लड़कियाँ सूट वगैरह वेयर करती हैं, तो कई बार क्या होता है कि लड़कियाँ हो गई या आंटीज वगैरह हो गई या कोई भी एज का इंसान है, शॉल इज अ मस्ट बाय, क्योंकि शॉल ऐसी चीज़ है, आप कितनी भी चीज़ ले लो, बस सर्दियों में शॉल नहीं है तो यार क्या लिया। तो मीशो पे मैंने ये स्टॉल टाइप का शॉल देखा है, क्योंकि शॉल की जो विथ होती है वो हल्की सी ज़्यादा होती है इसकी विथ कंपेयर टू द रेगुलर वंस, उनसे थोड़ी सी कम है, ठीक है। मगर जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है ना, पश्मीना शॉल को कम्पीट करने वाली है, सीरियसली कह रही हूँ। ब्लैक कलर की है, आप इसे एज ए स्टॉल यूज कर सकते हो, रैप करने के लिए, रैप अराउंड करने के लिए भी यूज करते हो, बट इसकी जो हल्की सी जो विथ है ना वो मुझे कम लगी, क्योंकि देखिए अब यहाँ से देखिए बस ये इतना सा ही है, विथ कम है, लेंथ भी कम है। हाँ ठीक है कि थोड़ा सा ये है कि शोल्डर्स पे डालने के लिए एज अ स्टॉल आप इसको यूज कर सकते हैं। जितनी इसकी प्राइस है ना, प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा नहीं है, यू कैन कंसिडर इट, ठीक है। साइड में इस तरह से आपको टैसल्स मिल जाएंगे, और पश्मीना शॉलों के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होती है उस तरह से वूलन एम्ब्रॉयडरी आपको पूरी मिल जाएगी फ्लोरल पैटर्न में। और बेसिक ब्लैक कलर इसलिए मैंने चूज किया कि ब्लैक वो कलर है जो सबके साथ अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाता है, कुछ ऑड नहीं लगता, तो ये बहुत अच्छी चीज है, डेफिनेटली गर्ल्स इसको कंसिडर कर सकती हैं, ठीक है। अब दिखाती हूँ एक प्यारा सा नाइट सूट, जो कि बहुत ज़्यादा वॉर्म है, क्वालिटी उसकी 100 out of 100 है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट जो हमेशा से मेरे साथ होता आया है, मतलब आप जानते ही हैं मैं तो भुगत भोगी हो चुकी हूँ, मतलब जो मैं ऑर्डर किया था प्रोडक्ट वो नहीं आया, उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट आया, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट डिलीवर्ड। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो मैंने साइज ऑर्डर की थी डबल एक्सल, उसकी जगह मुझे एल साइज ऑर्डर मतलब मुझे रिसीव हुआ। सी अब आप लोग मुझे रेगुलर जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो आप ये मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ, एल साइज दिखाई दे रहा होगा, देखिए एल साइज मुझे रिसीव हुआ है। अब इस
ठीक है, मैं इसको ट्राई तो किया बट ये बस्ट एरिया से काफी ज्यादा टाइट था तो ब्रीथ नहीं कर पा रही थी अच्छे से मैं, तो टाइट होने की वजह से ट्राई मैं आपको करके दिखा सकती हूँ, बट ये चीज का जो चल रहा है ना प्रॉब्लम मीशो पे, साइज इशू, प्रोडक्ट इशू। ब्लू कलर ऑर्डर किया था, व्हाइट रिसीव हुआ है, बट व्हाइट भी बहुत प्यारा है। जो लोग एल साइज में हैं, एक्सेल में हैं, डेफिनेटली बाय कर सकते हैं एम साइज वाले, बट डबल एक्सेल में तो शायद उनके पास अब खत्म भी हो गया है, आउट ऑफ स्टॉक है, मिल ही नहीं रहा है। मैंने इसे एक्सचेंज करने का बहुत कोशिश किया बट नहीं मिला। प्रोडक्ट बहुत 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 गर्म है और बहुत अच्छा है, सुपर डुपर क्वालिटी है इसकी, बहुत ही ज़्यादा थिक मटेरियल है, फर का मटेरियल बहुत थिक है। इस पे सामने लिखा है आई एम स्मार्टर देन यू, ठीक है, और बैक देखिए कितना खूबसूरत है, पिंक पैंथर, सी दिख रहा है आपको, पिंक पैंथर करके इसका ब्रांडिंग हो रखी है। फुल स्लीव्स का है ये लाउंज वेयर और बहुत ही ज्यादा गर्म है, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ इसका पजामा। पजामा ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पास सॉफ्ट टॉयज होते हैं ना, घर में बचपन में आप देखते थे वो कितने फरी और कितने ज्यादा सॉफ्ट लगते थे, उस टाइप का हगेबल मटेरियल है ये। सी इस तरह से इसमें जेबरा प्रिंट है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट का पैटर्न आएगा, और बहुत ही अच्छा लाउंज वेयर है ये। पॉकेट्स नहीं है इसके अंदर ना, टॉप में भी कोई पॉकेट नहीं थी, इसमें भी पॉकेट नहीं थी, मगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, बट साइज इशू की वजह से इसे रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर से, ठीक है। आप इसे बाय कर सकते हैं अगर आप मतलब कि एम साइज के या एल साइज के हैं, तो डेफिनेटली बाय कीजिएगा। एक और हेलो, तो वेलकम बैक। एक और हमारे पास लाउंज वेयर है जो जो कि सेम इशू है, उसके अंदर भी साइज इशू है, ठीक है। ये ऐसा लगता है जैसे कि इसको पहनने के बाद कि जैसे आप है ना कोई टेडी बियर हैं और बिल्कुल ब्राउनिश सा है। इसके अंदर भी मैंने कोई और कलर ऑर्डर किया था, रिसीव मुझे ब्राउन कलर हुआ है, बट क्वालिटी वाइज ठीक है, नॉट नॉट सो बैड, नॉट सो गुड वाली, जैसे ओके ओके प्रोडक्ट। और जो इसका क्लोजर है, यहाँ से आप स्लीव्स में हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी विंटर वेयर हो ना, अगर उसका क्लोजर इस टाइप का आता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज क्या होता है ना, यहाँ से ये इलास्टिक होने की वजह से आपकी स्लीव्स को ग्रैब कर लेता है, तो ठंड अंदर नहीं जा पाती है, तो रिप पैटर्न हो गया या फिर इलास्टिक पैटर्न हो गया बहुत अच्छे रहते हैं, लाइक दिस। जैसे ये रिप पैटर्न है इसी स्वेट टी शर्ट में, तो इसके अंदर से क्या हवा पास नहीं हो रही है, रेगुलर स्लीव्स होती हैं लाइक दैट, तो इसमें इजिली हवा अंदर जा सकती है, ठीक है। राउंड नेक के साथ देखिए, इसका राउंड नेक आएगा, बहुत ही कोजी है, बट क्वालिटी इसकी हल्की है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हल्की क्वालिटी है, और डेली टियर एंड वियर के लिए आप इसको घर में जैसे रोज पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्लीप वेयर है, इसको पहन के सो सकते हो, इतना ज्यादा वॉर्म नहीं है, ठीक है। और ज्यादा कुछ इसमें ऐसा ऐसा कुछ दिखाने को है नहीं, रेगुलर सा है ये, और नीचे से इस तरह यहाँ भी आपको इलास्टिक का पैटर्न मिल जाएगा, सी इस तरह से, और स्लीव्स में भी इलास्टिक मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह से मिलेगा। पजामा भी सेम इसी तरह से इलास्टिक पैटर्न में आएगा, बॉटम क्लोजर है इसका, यहाँ से ये जो बॉटम है ये देखिए क्लोज हो चुका है, यहाँ पे इलास्टिक लगने की वजह से तो ग्रिप बन जाएगी, और यहाँ पर भी है, इजिली आपको फिट हो जाएगा इलास्टिक है, ठीक है। इसके अंदर भी कोई पॉकेट नहीं है, स्लिप वेयर है ये, और अच्छा खासा इलास्टिक है, चीज़ बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल है, और दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बट जो पिक में दिखाई देता है ना, पिक के अकॉर्डिंग ये अपनी क्वालिटी हल्की सी इसमें थोड़ा सा हल्कापन है, अकॉर्डिंग टू द क्लोज कैटलॉग पिक्चर से मैच नहीं करता। अब ये वाली जैकेट, तो गाइस लास्ट मीशो विंटर हॉल में मैंने आपको एक पर्पल हुडी दिखाया था, सेम कैटलॉग से मैंने एक और हुडी ऑर्डर किया है, जिसका ब्रांड तो आपको पता है खलीसी ब्रांड का था, वो भी काफी अच्छी हुडी थी, पर्पल कलर की विद सनफ्लावर ऑन द फ्रंट पैनल, और ये भी सेम उसी ब्रांड की एक और पिंक हुडी है। मुझे कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो में कि मैं हुडी शेयर करूं, तो मुझे इतनी कुछ अच्छी लग नहीं रही थी, सब कॉटन में थी। इस ब्रांड की हुडीज प्योर वूल में है, फ्लीस का इनका फैब्रिक है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की, मैंने पहन चुकी हूँ इसलिए दोबारा से मैंने एक और ऑर्डर की है। अंदर की तरफ देखिए आप, इस तरह से ना फ्लीस का मटेरियल है, ठीक है, और दोनों तरफ से ना आपको कंगारू पैटर्न्स में पॉकेट मिलेंगी, ताकि आप हाथों को इस तरह से इंसर्ट करके अंदर की तरफ रख के गर्म रख सकें, और हुडी मिलेगी, और हुडी में सामने की तरफ ना इस तरह से आप देखिए क्या है, एक अच्छा सा रोज ड्रॉ हो रखा है, तो बहुत अच्छी है ये, और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है। स्लीव्स वही रिब पैटर्न में आएंगी, और नीचे से इसका जो बॉटम है ये भी एक रिब पैटर्न में आएगा। तो गाइज मुझे तो बहुत अच्छी लगी इस ब्रांड की हुडीज, मैंने पहले भी दो हुडी ऑर्डर की थी, ये थर्ड वाली है, एक येलो थी, पर्पल थी, और ये पिंक है, तो गाइज ये बहुत अच्छी थी। और एक चीज मैं आपके साथ एक और शेयर करना चाहूंगी, जो मीशो के ऊपर कैप और
मफलर का कॉम्बो आता है ना बॉयज का, वो वाला। तो गाइज ये कैप और एक मफलर का कॉम्बो आपको मैं ये पिक देख रहे होंगे, इस टाइप से ऑर्डर की थी मेरे हस्बैंड के लिए। गाइज ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि सिर के अंदर ना स्वेटिंग होने लगती, इतनी गर्म है ये कैप। देखो अंदर से इस तरह से ये फर मिलते हैं आपको, और बाहर से आपको ये वाला डिटेल मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके साथ का जो मफलर है वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, वरना आपके साथ शो करती। ये वाला एरिया पूरा कवर हो जाता है, प्लस आप फेस के ऊपर भी इस तरह से ऊपर करके उसको फेस को भी कवर कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं उसे देख रही थी, तो फाइनली मैंने ऑर्डर किया और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। इसके अलावा दो प्रोडक्ट और ऐड किए थे मैंने कार्ट में इसी हॉल के लिए, बट मेरा अभी मीशो वालों से झगड़ा हो गया, क्योंकि वो प्रोडक्ट मेरे घर पे आने वाला ही था, उससे पहले डिलीवरी वाले ने उसे कैंसिल कर दिया। बताओ अब मैं पूरा मतलब कितने 10-12 दिन से इस हॉल को बनाने का वेट कर रही हूँ, और वो एंड टाइम पे वो प्रोडक्ट कैंसिल हो गया, तो सोचो कितना मूड खराब हुआ होगा। गाइस ये बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। और दूसरी प्रॉब्लम ये चल रही है कि प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, फिर भी ऐप में पता नहीं चलता है कि वो डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको रिटर्न करना है तो आप रिटर्न भी नहीं कर सकते हो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मीशो पे इस बार। तो गाइज आई होप आपको आज के ये हॉल मेरा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे दिखाइए थ्रू योर कमेंट्स, थ्रू योर लाइक एंड शेयर। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे एफर्ट्स को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज क्रिसमस है, तो मैंने क्रिसमस के लिए स्पेशली आपके लिए टी शर्ट्स ऑर्डर की हैं मिंत्रा से। कल भी आपने देखा था वाइट कलर की थी, ग्रीन कलर की। तो आप सबको फिर से मैरी क्रिसमस, और न्यू ईयर आने वाला है उसके लिए भी बेस्ट विशेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।